कैसे चेंज हुई है रूबी की बिग बॉस के बाद? अब लोगों की इंटरफेरेंस ज्यादा हो गई, आई हैव डेवलप मोर पेशेंस. वो होता है ना, नाउ यू हैव एक्सपोज्ड योर लाइफ फॉर मोर क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट. रेडियो सिटी 91.1 पर. ये लड़की बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा इमोशन है, और आई थिंक वर्ल्ड ओवर शी इज लव फॉर द पर्सन शी इज. और आई थिंक ऐसा कॉम्प्लीमेंट आज के जमाने में बहुत कम लोगों को मिलता है. तो बिफोर एनीथिंग एल्स, लॉट्स ऑफ लव टू दिस बिग हार्ट. बहुत लोगों की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू. मैं चाहूंगी कि इस क्योंकि मेरा मेरा नाम फुल ऑफ लव है. एक्चुअली अर्चना बुलाते थे मुझे रेडियो पर, अब अर्चू बुलाते हैं. तो मैं चाहूंगी कि आप मेरा नाम बहुत सारे बार इस इंटरव्यू में ले, ताकि मैं भी आपकी तरफ ओके अर्चू, ओके अर्चू, यू कैन कॉल मी रूबी देन. ओके लेट्स रूबी. मेक इट अ गेम, लव लव गेम इंटरव्यू. सबसे पहली बात, क्योंकि मेरे शो पे एक बहुत बड़ा स्पेशल चल रहा है, शादी फाइव विद अर्चू. यू नो, शादी सीजन ओके. कितने लोगों की शादियां हो रही हैं. मैं चाहती हूँ कि आप, क्योंकि बिग बॉस में सबसे बड़ी बात आपने दिल की शेयर की थी आपकी, जो अगेन आई थॉट वाज सो जेन्युइन, कि यू नो आपको एक्चुअली ब्रेक ऑफ करना है, आपको डिवोर्स करना है, एंड देन योर टचवुड आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी चल रही है. कैन यू शेयर विद अस, कैन यू जस्ट से अर्चू आपके शादी फाय में, मैं सारे लोगों को जिनकी शादी हो रही है, हो चुकी है, ये टिप्स देना चाहूंगी कि वो उनकी शादी अच्छे से बरकरार रखे. ओके अर्चू, सो देखिए, मैं अपनी शादी या रिलेशनशिप में चीजें अभी भी सीख रही हूँ. तो जो मैं चीजें सीख चुकी हूँ उनको एज अ टिप बोल सकते हैं या एज अ एडवाइस, छोटा सा एडवाइस वो मैं दे सकती हूँ, ताकि आपकी शादी जो है थोड़ी सुखद पलों की ओर बढ़ सके. बाकी तो अभी मतलब टचवर्ड, होपफुली जिंदगी लंबी हो, सफर लंबा हो, तो नई नई चीजें जब जब सीखती रहूंगी तब तब शेयर भी करती रहूंगी. मैंने सबसे पहली चीज जो अपने रिलेशनशिप में सीखी है, रिस्पेक्ट ईच अदर. आई थिंक मोर देन लव इट इज अ रिस्पेक्ट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप. दूसरा, अग्री टू डिसअग्री. हम दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग पैदाइश है, अलग अलग कंडीशनिंग हुई है, तो हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है. और अगर वो समझ भी ना आए तो भी ये समझना जरूरी है कि हम दो बहुत ही अलग लोग हैं, और ऐसे अलग लोग, दो अलग यू नो दिल एक छत के नीचे आराम से रह सकते हैं. तीसरी चीज जो मैंने सीखी है, ऑलवेज अप्रिशिएट, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड. बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्रिसिएशन आज की डेट में बताऊं क्या हो गया है, अगर आपको कोई अच्छे से पैम्पर करे, आपके लिए कोई अच्छा एक्सक्लूसिव एग्जॉर्बिटेंट अगर गिफ्ट लेकर आए, तो आप बोलेंगे ओह माय गॉड, वाओ, दिस, थैंक यू सो मच, इट्स सो लवली. बट हम छोटी छोटी चीजें अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं. हम ये भूल जाते हैं, ओ माय गॉड, ही मेड अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी. ओ माय गॉड, इन लाइक इन अ मंथ और टू वंस इफ ही जस्ट फील्स लाइक कुकिंग फॉर यू, appreciate that. Just don't say कि यार तुम तो एक महीने में एक बार ही बनाते हो, या फिर you know, it's just why should I be cooking and everything. So appreciate those little things. Show gratitude every morning that you know I'm blessed that we are co-creating this life together. Wow. So I think these are the things that I keep practicing and I've learned in my relationship. You know, Rubina, Ruby. You know, Ruby, that's the whole thing about relationships. There's so many dynamics. कितने सारे लोग हमको आजकल social media पे इतना judge करने लग गए हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही personal photos डाल रही हो, ये वो. कभी भी Ruby को लगा कि शायद अगर मैं थोड़े lovey-dovey photos डालूं तो you know लोग मुझे judge करेंगे. Like I am very shy about putting pictures where I'm maybe lip kissing my husband. I don't know. It's scary for me. I'm like, I don't know, कुछ अजीब ऐसी quirks होती है. आपके मन में क्या है social media and आपके relationship को लेके? Okay, so see, it depends person to person. अगर मैं अपनी बात करूँ, I'm an artist and I'm a public figure as well. तो मेरे लिए to make the choice of bringing my personal life on social media is consciously वो है कि what I am here, it is out there. और ये सबकी अपनी personal choice होती है. Somebody wants to be transparent, honest, it is
very well appreciated. Somebody wants to keep it very close to the heart, very intimate, very private. That is also appreciable. Because it depends person to person. It depends on how you take your social media or your public appearance and how you want your personal life to be reflected. And सबके अपने अपने जो thought process है या जो preferences है, it should be very well respected. Now, if I want to project a certain aspect of my relationship, say for example, kissing Abhinav, and I want to put it on social media, it is not, I am not putting it for to seek validation or to have instant likes or to tell people, oh my God, look, my relationship is so hunky dory. Dekho, no, that's not the idea. I find I don't care. I don't think about that. I don't think about that. It's my social media. I have all the freedom to project what I feel. So a picture is about that moment that I wanted to celebrate it with my fans out there. Mm-hmm. That picture has a meaning for me, which I just want to put as a celebration and to maybe thank or maybe put an appreciation thing or put a vibe thing out there. Yeah. So that's what I see as my social media, as a connecting medium between me and my fans. You rightly said, Archu, that it's the intention. Mm-hmm. So the intention is not flaunting or, uh-huh, oh my God, look, this is me, or this is what I do, this is what I look like. That's not the intention. But my intentions are absolutely shayad nazar lag rahi hai, thoda nazar utar deti hu, aisa kuch kar raha hai Ruby mummy utarti rehti hai nazar. Wo meri mummy aur meri mother in law, they just think, hi, nazar lag gayi, hi, utaro, hi, hamare bachcho ko. So I idea nahi hai, that's a protective thing that parents. इसके इस इंटरव्यू के पहले कितने लोग खुश थे कि मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, बिकॉज उनको लगता है कि लाइफ लेसन्स के साथ साथ यू आर प्रॉब्ली वन ऑफ द प्रीटीस्ट फेसेस वी हैव. तो ये जो इतना अप्रिसिएशन, स्पेशली आई थिंक बिग बॉस के बाद जो बढ़ गया है, क्योंकि यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट बिग बॉस इज कि हम अपने स्टार्स को जान सकते हैं, इट्स नॉट वन फैक्टर. तो लाइफ कैसे चेंज हुई है रूबी की बिग बॉस के बाद? अब लोगों की इंटरफेरेंस ज्यादा हो गई. आई हैव डेवलप्ड मोर पेशेंस. वो होता है ना, नाउ यू हैव एक्सपोज्ड योर लाइफ फॉर मोर क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट, बट आई हैव स्टार्टेड लर्निंग टू होल्ड माई सेल्फ टुगेदर इफ समबडी थ्रोज कीचड़ ऑन यू, इफ समबडी थ्रोज मलाइन वर्ड्स ऑन यू, बिकॉज नाउ यू हैव एक्सपोज्ड योर लाइफ अ बिट मोर. या and you are more vulnerable now, you know. तो आप अगर मैं ये बात भी यहाँ कर रही हूँ ना, ये क्लिप उठाकर इसको ना लोग they'll put more of hate into it. Yeah. That you know, oh she thinks like that about her. Oh now I'm easily a subject of being judged now. Yeah. Yes. So I think I'm learning to put all of it into a perspective that it was my choice. And today it is going to be my choice how to deal with it. Yes, Big Boss has given me enormous access to enormous love, appreciation, and the kind of love that I receive. Yes, Big Boss has given that 360 degree change in my approachability or accessibility towards my work. So the show has given me so much. The show has given me those millions of hearts that I have connected, that I've earned through the honesty that I lived while I was on the show. So show ne mujhe bahut kuch diya hai, but us bahut kuch ke saath ye sab cheeze bhi saath mein aayi baggage mein. Jo maine pehle bataya. So I think it's two way. So I'm finding my balance. You know, एक स्मॉल चीज है, अब क्योंकि ज्यादा लोग आपको पहचानने लग गए हैं, तो अगर मैं आपको रोजाना जिंदगी के बारे में पूछूं, जब आप शायद एयरपोर्ट जा रहे हो या कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, तो व्हाट आर द काइंड ऑफ शॉकिंग रिएक्शंस, शायद पहले इतने नहीं आते थे. यू नो आई वांट टू नो दिस पार्ट. ये सोशल मीडिया वाला पार्ट आई एम गोइंग टू कम टू, बट ये वाला पार्ट मैं बहुत जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो रीच बिग बॉस की है, शायद कभी कभार फिल्म्स की और
सीरियल्स की भी नहीं होती. एब्सोल्युटली शॉकिंग अब ये हो जाता है कि कैप पहना है, सनग्लासेस लगाए और मास्क लगाए, लोग फिर भी पहचान जाते हैं. और मैं तो मतलब पब्लिक, मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं रिसेंट मैं गंगा स्नान के लिए गई थी हरिद्वार ऋषिकेश अपने पेरेंट्स के साथ. Wow. अभी कार्तिक पूर्णिमा थी, सो माय पेरेंट्स दे रियली वांटेड टू डू हरिद्वार आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग, तो मैंने कहा चलो लेट्स टेक देम. तो गंगा स्नान के लिए हम गए थे और मैं पब्लिकली बाहर हरिद्वार की सड़कों पर, ऋषिकेश के सड़कों पर, मैं ऐसे लूज अपना टी शर्ट पहनती थी, बैगी पैंट्स पहनती थी, कैप लगाती थी, मास्क लगाती थी, चश्मे लगाती थी, बिकॉज आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय पेरेंट्स, आई वांट टू बी लाइक अ नॉर्मल लोकल. वो है ना, जा रहे हैं चाट पापड़ी खा रहे हैं, फिर हम छोले भटूरे खा रहे हैं, आई वांट टू एक्सपीरियंस अगेन दैट थिंग विद माय पेरेंट्स. सो आई एम फुली क्लैड एंड माय सिस्टर इज लाइक, तुम अपना नाक भी मत दिखाना, तुम बिल्कुल अच्छा. ऊपर से मेरी बहन तो मुझे शॉल भी पकड़ा देती थी, चलो ऐसे चलो. Unbelievable how people just recognized me from my chal only. Dil ka, aap Rubina ho na? Log haath ya yahan se haath. Ruko ruko ruko. Aap Rubina ho na? And my sister and my parents are like, matlab it is impossible. Tumko hum aisa cotton ball ki tarah cover karke le ja rahe hain. How is that even possible? So that is the immense love and maybe the immense attention that they have paid to each and everything while I was on the show. And it's unbelievable. ऐसे मैं दो तीन जगह ढाबे पे जाकर ना, I wanted to have वहाँ पर बड़े famous ढाबास जहाँ पर खीर मिलती है और ये मिलती पूरी और ये सब मिलता है. So I wanted to enjoy that also. तो मैं ऐसा ना, I had that shawl and with that mask, I'm just eating. So people just recognized with this much of wo eyes, and they're like, thank you, and they're like, Rubina, आप Rubina है ना. So it's amazing, yeah. It's unbelievable how you connect with people. अभी जो आपके साथ शायद हुआ, अभी Big Boss के घर के अंदर हो रहा है, नेहा शमिता और तेजश्री के साथ, I think the guys have outnumbered the girls. और ये जब आपके साथ भी हुआ था, you know they typically shame the girl and बहुत I think लड़कियों के साथ कुछ अलग level की जैसे प्रथा आ रही है कि यू नो गर्ल्स विचेस, ये विकन है, ये ऐसे वैसे. तो बिग बॉस के घर के अंदर ये एक जो नजरिया है वो दिख जाता है. आपका अगर कोई विशेष टिप्पणी है टू द गर्ल्स इन द बिग बॉस हाउस, एंड आर यू वाचिंग बिग बॉस, एंड इफ नॉट व्हाई? नहीं अर्चु, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल क्लूलेस, आई डोंट नो किस उसमें बात हो रहा है. सो इफ यू गिव मी अ जेनेरिक वो, देन आई कैन मेबी आंसर दिस. जेनेरिकली आई एम आस्किंग यू, जब बिग बॉस के घर के अंदर लड़के ज्यादा होते हैं और लड़कियां कम होती हैं, उनके ऊपर ज्यादा अटैक होते हैं लड़कों की तरफ से, तो उनका एक माइंड स्पेस क्या होना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये गेम आप जीत चुके हो. अच्छा जी, आई थिंक जेंडर इक्वालिटी. गया वो जमाना यार कि यू नो औरत कमजोर है, लड़की को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए. लिसन, आई एम टुडेज girl, I don't take shit. You can't dictate me what needs to be done, how it needs to be done. I respect you, I respect your thought process, I respect you as a human being, I respect your upbringing, but sorry boss, if you come and point fingers on me unnecessarily, if you come and poke me, I'm not going to take that shit. So simple hai, ladkiyon ko dimag se sashakt hona hai, ladkiyon ko dil mein fearless attitude rakhna hai. आप अगर सही हो ना, मजाल किसी की, आपको आपका नुकसान वो कर सके. हाँ हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, बट उसको डील इट नॉट इन अ पर्सपेक्टिव वेयर गर्ल्स और वुमेन हैव टू बी ओ आई वांट टू प्ले अ वुमन कार्ड, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाँ मेरे साथ, एंड बॉयज ऑन द अदर साइड बीइंग आई मीन लाइक इफ यू वांट टू एक्ट एज एमसीपीज, या मेल शोविनिस्टिक पिग्स, इट्स योर ओन कर्मा, आई एम नॉट गोना टेक योर एटीट्यूड, सॉरी. Not me. So I think it depends on every individual. You know, Ruby, I've always wanted to ask you this: ki what was that winning game in your head, जिसके वजह से आपको लगता है, जैसे आपने कर्मा बोला ना, I'm a big believer, जिसके वजह से आपको लगता है आप ये जीते हो, क्योंकि ये अभी का नहीं होता है. You know, मुझे अभी भी याद है जब रहमान सर ने जय हो के लिए जीता था, तो बहुत लोगों ने कहा it's not his best work. I said yeah, but he's done so much best. कि you know वो एक कर्मा है ना, इतने सालों का इतना अच्छा 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 किया है. एक दिन तो ये आना ही था. तो सिमिलरली आपके माइंडसेट, व्हाट इज दैट सेटिंग इन रूबीज हेड
जिसके वजह से वो एक बिग बॉस की विनर बनी जबकि इतने ऑड्स उनके अगेंस्ट घर में चल रहे थे. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओपरा विनफ्री ना, उन्होंने एक चीज कही थी जो मेरे जहन में बहुत टाइम से है एंड आई फॉलो दैट. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लक, इट इज प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी. यस यस, ब्यूटीफुल. सो यू हैव टू ऑल द टाइम कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. एंड यू राइटली सेड कि रहमान साहब का जरूरी नहीं है वो बेस्ट गाना हो, लेकिन इट वन. व्हाई इट वन? बिकॉज ही वाज ऑल द टाइम यू नो प्रिपेयरिंग. And that preparation once met the opportunity where it boomed into a luck. And he won. So that constant preparation is so important. Aaj kal yaar main dekhti hu na, jaise ab social media to access de deta na ab har ek ki zindagi mein. Yeah. Ab ek platform freedom of speech de diya, log ja ja kar kuch bhi bolte hain, acha bhi bolte hain, bura bhi bolte hain. सब कुछ बोलते हैं. कभी लोग बिल्कुल फिल्टर्ड होते हैं, बड़े कभी अनफिल्टर्ड होते हैं. तो आपको कहीं ना समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है. सो पीपल आर इजी टू जज एंड से कि यार ओ इसको तो आसानी से मिल गया, यू नो. फॉर एग्जांपल अभी हम, क्योंकि अगर हम बिग बॉस की बात करें, बहुत से लोगों से सुना सोशल मीडिया पे, देखा अरे ये तो रिग्ड था, वो ऑलरेडी कलर्स का शो कर रही थी, कलर्स का फेस था इसलिए उसको जिता दिया, इसने तो ड्रामा किया था अपने मैरिज को लेकर, ये सब थोड़ी ना. In fact, the contestants inside the house also, I heard them when I came out, that they were talking like that on my back. So, Big Boss wasn't my ultimate yuddh bhumi, ke ye to yahan maine ye strategy apna isliye main jeet gayi. No, I have been preparing all throughout my life for things that I believe in. I practice yoga, I read books. I indulge into fruitful conversations. I like making friends. I like working on myself. I like finding my shortcomings and working on them. I have been courageous enough to work on my relationship, which was falling apart. So I was doing, I am like a work in progress. So main ye sab kaam kar hi rahi hu and I continuously do it. Big Boss happens to be that opportunity where I am continuously working on myself, where I'm continuously working on my work ethics, on my skills, on my talent. Ye to main kaam kar hi rahi hu. And Big Boss happens to be an opportunity where people see it, people relate to it, people connect to it, and they see that honesty. Ruby, but that's tough in your industry. Agar aapko pata hai ki itne log aapke baare mein itni vaya cheeze soch rahe hain. जैसे वो कहावत है ना, अगर आपको पता चल जाए कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, आप शायद इतना उनकी तरफ स्माइल भी नहीं कर पाओ. तो आज कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना, आई डोंट केयर. तो आपका, आई थिंक ये आपका एक विनर एटीट्यूड है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आप ये सोचने लगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इसके साथ थोड़ा सा बैर रखो, इससे दूर रहो, तो और भी टेंशन और स्ट्रेस. ऐसा नहीं चलता. आई नो यार, ऐसा नहीं चलता. आप देखो, मैं अपने बारे में इतना कुछ सुनती हूँ. आई एम लाइक वाओ, ये कब हुआ? ओ ऐसा भी था. ये मुझे मेरे बारे में पता. ओ माय गॉड. ओके, टेल मी द मोस्ट एंटरटेनिंग, फन और द वियर्डेस्ट वन जो आपने सुना है, ये हमको बताया. अच्छा, मैं बताती हूँ. तो आजकल ना, पिछले 2-3 महीनों से मेरे को बड़े मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं आफ्टर माय कोविड रिकवरी एंड दैट आई गेन्ड वेट एंड ऑल ना. तो एक मैं ऐसी पढ़ रही थी रैंडमली, तो उस पे ना किसी ने बड़े स्पेसिफिकली लिखा है कि ये तो रिग्ड विनर थी, इसका काम देख लो, इसका कोई भी गाना 100 मिलियन तो कभी टच कर नहीं पाया है. दो दिन की शूटिंग के लिए इतने लाखों रुपए लेती है, कपड़ों में पैसे इन्वेस्ट करती नहीं है. और आई एम टेलिंग यू, दोस फिगर्स वर एग्जैक्ट. हाउ अ फैन वुड नो द एग्जैक्ट फिगर्स? आई एम लाइक ओके, ये बात सही है, पर इसके साथ जो बात लिखी हुई है, जो उसमें उन्होंने जो भी उसको कहते हैं ना, अपनी दिल की बुराई मलाइन, जो भी इंटेंशन जो लिखी है, हाँ ये भड़ास में सच्चाई तो है, पर ये भड़ास क्यों है? क्यों है? इसके फैक्ट सही है, पर ये मतलब ये इसने ये काम इतने में किया था, ये काम इतने में किया था, बिग बॉस में उसे इतना मिला, बिग बॉस
I'm like, wow, आपको figures तो exact पता है, but how is that possible? So industry is short. People will go behind your back and talk about it, and then paint the picture the way they want to, so that they can make you look bad. Tough man, this is a tough job. Okay, मैं भी मोटी हुई हूँ मेरे कोविड एक्सपीरियंस के बाद. पहली बात, कोविड से आप कैसे लड़े हो. दूसरी बात कि कोविड में अगर और ये वेट का जो इशू है, एंड ऑल्सो द क्लोथ पॉइंट आई वांट टू कम टू फॉर श्योर, क्योंकि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ एट हार्ट. बहुत बुरा लगता है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रोज ऐसे मतलब कोई स्टारलेट की तरह दिखो ताकि आपको और एंडोर्समेंट्स मिले. यू आर अ वेरी बिग स्टार एंड यू मेड लॉट ऑफ मनी. व्हाई वुड रूबी नॉट वांट टू फ्लैश एवरी डे, एंड यू कैन अफोर्ड इट, बट आप नहीं कर रहे हो. तो पहले वो पॉइंट पे आती हूँ. यस अच्छू, I believe at this point in time, in respect to my age, I'm talking. जी. मैं एक ऐसे पड़ाव पर हूँ जहाँ आपने rightly कहा, I can splurge and spend a lot and buy designer wares and brands like the top brands. I don't choose to because my clothes don't define me, and I want to invest that money to build, maybe. I'm building a new, you know, a new home for my parents. मैं अपने पैसे वहाँ लगाऊंगी यार. मैं brands खरीद रही हूँ और ये खरीदने नहीं जाऊंगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मैंने ये फिलहाल अभी Zara की मतलब 800 रुपए की शर्ट है ये पहनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. ये टी-शर्ट है, नॉर्मल टी-शर्ट है, नॉर्मल टी-शर्ट है. मैंने बार बार, क्योंकि यार मेरे कपड़े डिफाइन नहीं करेंगे मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी सोच, मेरे और आपके साथ जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, मेरी ज्वेलरी. I think it 250-300 रुपए के लूप्स हैं. It doesn't. I don't care. Wow. And let me tell you, people who have built foundations for humanity, people who are changing the face of the world and civilization, they wear the same T-shirt every day and they roam in chappals. You bring out anyone. From Warren Buffet to Mark Zuckerberg to Oprah Winfrey to anyone, किसी को भी देख लो यार. तो यार पैसा आप अपनी security के लिए बनाते हो. इतने hugs और चुम्मियाँ निकल रही है ना आपके लिए. I can't tell you. But यार लड़की दिखावा है यार ये. बट लड़कियों को ना रिटेल थेरेपी बड़ी अच्छी लगती है. कभी कभार मुझे भी ऐसे मूड होता है, चलो let's just paint the town. यार of course I believe that and I do that. There's nothing wrong about it. There's nothing wrong about in wearing good clothes. There is nothing wrong about feeling great wearing a top brand. There is nothing wrong about it. Koi wo nahi hai. But there is nothing wrong about if I don't want to flash it. Simple. Okay. Aaj ki date mein meri priorities alag hai. No, I love the meaningful and the thoughtfulness gone behind everything jo aap kar rahe ho. Ab se conversation strictly Hindi rakhenge kyunki mere radio show pe jana hi jana hai. COVID se ladna is not easy aur main bhi COVID se ladi hu. Mujhe 1.5 din ka depression bhi hua tha kyunki mujhe medication leni padi. So I was like telling my husband, main kyun zinda hu, kya karna hai mujhe duniya mein, matlab main kis liye yahan pe hu. To wo keh raha hai calm down, main tumhare saath hu. Aur uske baad na kyunki energy ekdam kshan ho gayi thi, I think I lost muscle and मोटी हो गई हूँ. तो और ये इसके आपने बहुत स्ट्रॉन्ग साइड फेस किया है. प्लीज टेल अस, मुझे मेरे इनफैक्ट व्हाटएवर लिमिटेड फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर ने बोला, हाय आप तो वैसे इतने मोटे नहीं हो पर चेहरा आपका एकदम समोसा की तरह है. तो मैं जो हंस आई हैव डिसाइडेड कि अच्छा हुआ तुमको अर्चु तुमको समोसा बोला, मुझे कद्दू बोलते हैं. आई वॉन्ट टू जेन्युइनली आस्क यू, How did you face COVID? और आप कैसे ये इतने सारी negativity, कद्दू, लौकी, जो भी है, इससे कैसे उभरे? यार सबसे पहले I don't seek validation. ना मुझे आपके आप जो comment करते हैं, आप जो mails देते हैं, उस चीज से मुझे फर्क पड़ता है. मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ इस चीज से कि आपकी वो सोच, जो नकारात्मक सोच है, वो मेरे पेरेंट्स, मेरी कजन्स, मेरे सिस्टर, मेरे हस्बैंड तक ना पहुंचाए. बिकॉज पीपल फाइंड दैट वे ऑफ यू नो टैगिंग माय फैमिली, टैगिंग माय वो. इसलिए मैं अच्छा सा जवाब दे देती हूँ, सो दैट लाइक शट अप एंड डू योर वर्क टाइप्स. तो अब हाँ, अब आई बात कोविड की और कोविड के रेपरकशंस कैसे संभाले गए हैं. कोविड में यार मेडिकेशंस ऑफकोर्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ गए, और अभी रिकवरी इज अ लॉन्ग टर्म थिंग.
स्पेशली मेरे केस में तो है, क्योंकि मैं अभी भी रिकवर कर रही हूँ. माई बॉडी इज स्टिल गेटिंग इन टू इट्स फाइन एनर्जी. अब वेट मेरा जो बड़ा है, मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ. ये पॉइंट एक तुमने अच्छा बहुत अच्छा उठाया था कि मुझे ऐसा लगता था मैं डिप्रेस हो गई, कि वाई एम आई लिविंग इन दिस. दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द पैंडमिक इटसेल्फ. तो इसमें कोई बुराई नहीं, अगर तुम सोच रही थी, डोंट फील बैड अबाउट इट. मैंने ऐसा क्यों सोचा और आया डिप्रेशन. वैसे तो लॉकडाउन वाज नाइस टू मी, बट वो डेढ़ दिन मेरे, क्योंकि मेडिकेशन की वजह से ना वो अपेरेंटली होता है. यस, तुम डेढ़ दिन की बात कर रही हो. मैं ये चीज डेढ़ महीना मैंने वो किया, बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट बेड रिडन फॉर 20-25 डेज. तो मेरे तो लाइक आई हैड लंग इन्फेक्शन. मैं जाकर ये थोड़ी ना पब्लिकली अनाउंस करती हूँ, तो मैं और आपकी अभी कॉन्वर्सेशन हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप भी उस चीज से गुजरे हो. तो मुझे तो डेढ़ से दो महीना लगा, क्योंकि मेरा तो विद इन, आई एम टेलिंग यू, विद इन 4-5 डेज मैंने जैसी अपनी प्रेडनिसोलॉन द स्टेरॉइड्स मेड्रोल पे जैसी मैं गई, आई सॉ माई फेस पफ्ड अप, आई सॉ वेट गेन, वेट मतलब वेइंग स्केल. ऑफकोर्स उस टाइम मैंने वेट नहीं वो किया, बट आई कुड फील वाटर रिटेंशन हो रही है. फिर जैसे जैसे मेडिसिन वो स्टेरॉइड्स टेपर ऑफ होते गए, वैसे वैसे रियलाइज किया आई एम गेनिंग वेट. फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बाद में कहा कि रुबीना आई डिडंट वांट टू यू नो पुट यू इन अनदर यू नो वो क्या बोलते हैं स्ट्रेसफुल वो, बट यस व्हेन यू टेक अप मेड्रोल, व्हेन यू टेक प्रेडनिसोलॉन, इट हेल्प्स यू रिकवर फास्टर, बट देन इट these are the side effects. You'll put on weight. आपकी cravings, खाने के लिए cravings आपकी बहुत बढ़ जाती है. मुझे hunger pangs होते थे यार. Imagine मैं एक एक time पे मतलब 8-10 पूरियां खा जाती थी. 8-10 पूरियां मेरे size को देख के लगता है. I can eat, but yeah, you tend to, you want to limit your body also, because you know your body has a limit. After a certain age, you want to eat just right. You know, ज़्यादा भी नहीं खाना होता. Exactly. So these are the side effects. And people just treat it normally. Ke are, achha, kha rahi hai, toh bahut hi kha rahi hogi, ye kar rahi hogi. But I was going through a certain disbalance in my body. And I could figure it out. Mujhe matlab aise, mujhe suddenly aisa rona aata tha. Phir suddenly mujhe lagta tha, mera sar bhari ho gaya. Meri ediyan dukhti thi. My knees used to hurt. Main bata rahi hu, main do steps nahi chal paati thi. So my body has gone through a lot. मेरे नेल्स चिप ऑफ हो गए थे. आई हैड ट्रेमेंडस हेयर फॉल. के मतलब लिटरली अभिनव डर गए. अभिनव बोलते कि रुबीना प्लीज गो सी अ ट्राइकोलॉजिस्ट. आई सेड व्हाट डू आई डू. एंड एज एन एक्टर यू लूज कॉन्फिडेंस. आपकी स्किन खराब हो रही है, आपके हेयर फॉल हो गया, आपके नेल्स चिप हो रहे हैं, नेल्स टूट रहे हैं. यू लुक एट द मिरर एंड यू से ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन. और उसके ऊपर लोगों की ताने सुनो. तो मोटी हो गई, कैसी बूढ़ी सी दिखने लगी है, चेहरे पर झुरियां आ गई है. I said, that's your perspective. It's all fine. I need to find peace for myself. I need to recover. I need to let my body heal. So my body is in a healing time. Bless it'll you. Take its time. My body, matlab, it'll all come back. It'll all come back. I have to be patient with myself. Aur agar isme logon ki sunne lag jao na yaar. बैंड बज जाएगी, लाइफ खत्म. मुझे आपको ना, मैं बहुत सारे घर के नुस्खे देती हूँ मेरे शो पे, मुझे आपको वो भेजने हैं, बिकॉज मैंने भी ऐसा हेयर फॉल देखा है ना, ऐसे मतलब लिटरली वो क्या बोलते हैं सीजन बॉल की तरह, ऐसे 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 मेरे बाल ऐसे गुच्छे निकलते थे. क्योंकि आपकी बॉडी इतना कुछ बीटिंग, योर बॉडी हैज टेकन अप सो मच ड्यूरिंग कोविड रिकवरी. योर हेयर एंड नेल्स, दीज आर द टू थिंग्स दैट टेक द बीटिंग ऑफ योर रिकवरी. या शाहरुख की बात करते हैं. शाहरुख इज अ, यू नो नेम शाहरुख इज अ सेंटिमेंट ये इस कंट्री में. ऐसी वाली फीलिंग आती है. मैं भी स्कॉर्पियन हूँ एंड आई रियली फील लाइक शाहरुख हैज, मतलब ही इज रेज द बार व्हेन इट कम्स टू हाउ टू बिहेव और जेंटलमैन्स बिहेवियर. एब्सोल्युटली. जब उनसे मिले, क्या आपका एक्सपीरियंस था इस गाने के बारे में शाहरुख खान, लाइक व्हाट इज हैपनिंग? मैं यार ऑनेस्टली मैं शाहरुख साहब से तो नहीं मिली हूँ जी, बट बहुत इच्छा है. मैंने, मेरा एक फैन मोमेंट जरूर रहा है यहाँ बॉम्बे में. मेरे घर के पास एक कुछ कपल ऑफ इयर्स उनकी शूटिंग हो रही थी और मैं अपनी शूट के लिए जा रही थी और मैंने सडनली देखा यू नो शाहरुख खान गेट्स आउट ऑफ हिज वैनिटी एंड ही इज वॉकिंग विद हिज एंट्रेज. सडनली मैंने आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया. आई हैव नेवर बीन स्टारस्ट्रक. मैंने फटाफट अपना फोन निकाला है. आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम. ही हैज सच अ, मतलब ही हैज सच अ मैग्नेटिक ऑरा. या
मैं वो गाड़ी मेरी ऐसी गुजर रही है और वो ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, मैं सिर्फ उनको ऐसे देख रही हूँ. आई लाइक वाओ. तो मुझे रियलाइज हुआ दैट यस, ही शाहरुख खान इज अ सेंटिमेंट. ही इज, मतलब वो बोलते ना, हर एक फैन के रगों में, नस नस में उनका जो वो है, कैरिज्मा है, उनका जो एक स्टाइल है, वो हर एक फैन में बसा हुआ है. एंड जब ये गाना मेरे पास आया, आई वाज लाइक यार ये गाना तो करना ही करना है. आई मीन देयर इज नो वे आई कैन से नो टू दिस सॉन्ग. और इतना पेपी है, इंदर ने इतने अच्छे से गाया है, और मतलब मैं मना नहीं कर सकी. सो या. एंड शाहरुख खान की कौन सी फिल्म थी जिससे आपको बहुत प्यार हुआ, और यू नो वो क्या था जिसकी वजह से आपको लगा कि ये एक्टर है जिसको मैं फॉलो करना चाहती हूँ? यार मैं ना उन्हें ऑफ कोर्स उनकी बहुत सारी फिल्में देखी है, बहुत सारी फिल्में देखी है. और मैं जब स्कूल में हुआ करती थी, और जब हमने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हमने परदेश देखी, और उनके जब हम गाने देखते थे, मतलब वो होता है ना, यू जस्ट मतलब योर होल थिंग जस्ट ट्रांसपोर्ट्स इनटू द सीन. आपको लगता है ओ माय गॉड यू आर ओनली डांसिंग विद शाहरुख खान. आप हीरोइन को, मतलब वो अपनी इमेजिनेशन में आप हीरोइन को हटा ही देते हो, फिर आपको लगता है ओ माय गॉड यू नो शाहरुख खान इज जस्ट रोमांसिंग विद यू. तो वो चीजें इमेजिन करके बड़े हुए हैं यार. सो आई कांट पिक चूज एंड पिक वन पर्टिकुलर यू नो सॉन्ग और फिल्म जहां से मैंने उनको कोयला. तो जहां से मैं ये बोल सकूं कि यार ये देखा था वहां से मैं दीवानी हुई. उनका हर काम ही है सो मच ऑफ, ही सो कैरिज्मेटिक. सो वाह. और मुझे ऐसे लगता है आपके अंदर उनकी एक क्वालिटी है पढ़ना, आपको बुक्स बहुत पसंद है, आपने बोला यू हैव टू गिव अस क्विक रिकमेंडेशंस. कौन सी तीन बुक्स? अच्छा मुझे ये बात पहले भी किसी ने कही है दैट यू नो यू हैव दैट सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड शाहरुख खान, ही आल्सो लव्स रीडिंग. ओह माय गॉड, आई हैव हर्ड एंड आई दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट. आप प्लीज बताएं आप कौन से बुक्स रिकमेंड करेंगे हमारे जो देख रहे हैं, स्पेशली जिनको बहुत जरूरत है कि वो सीखें और ग्रो अप हो जाएं. व्हाट आर द थ्री बुक्स दे मस्ट रीड? अभी जो मैं हाल फिलहाल पढ़ रही हूँ मैं आपको वही बताती हूँ. वैसे तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं. मैं भी रॉबिन शर्मा की बुक पढ़ रही हूँ, ग्रेटनेस गाइड. मैं साथ साथ में भगवद गीता पढ़ रही हूँ, जो जहाँ पर उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, क्योंकि वो थोड़ा संस्कृत से हाथ इतना वो रहा नहीं अब, और हिंदी मैं थोड़ा बहुत, मतलब इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज जहाँ समझ सकते हैं. तो मैं भगवद गीता की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो वाली किताब पढ़ रही हूँ. और तीसरा मैं पढ़ रही हूँ, यार यही थी वो किताब, एटॉमिक हैबिट्स. सो ये तीन चीजें अभी मैं पढ़ रही हूँ एंड आई हाईली रिकमेंड देम. आई थिंक आई डेफिनेटली वॉन्ट जाने से पहले कि क्योंकि अगेन लाइक आई एम कमिंग बैक टू माई टॉपिक, वेन आई वॉज अ ब्राइड just like you, I was like, I don't want to spend lakhs of rupees on my dress जो मैं एक बार ही पहनूंगी लाइफ में, और you know ऐसे कुछ learning. Can Ruby tell us what is her learning from her wedding, और वो चाहेगी कि जो लोग सुन रहे हैं, चाहे वो you know shy होना था या ने मजे नहीं किया करे या you know बहुत ज्यादा रोई या आपको ज्यादा ही सोच रही थी, सारी वो दो तीन सीख फटाफट बता दीजिए शादी से. ठीक है, मैं आपको चार चीजें बताऊंगी और ये चार चीजें मैंने अपनी शादी में सीखी हैं और इन्हें गांठ बांध दी. सबसे पहला, मैं शादी अपने खर्चे पे करूंगी जो मैंने कमाया है. आई विल नॉट स्पेंड अ पेनी फ्रॉम माय पेरेंट्स. वो और ये मैं चीजें अपनी बहनों को भी बताती हूँ. तो मैं शादी थोड़ी लेट करनी है, करूं, बट स्पेंड शादी उस स्टैटस करना जो तुम खुद अफोर्ड कर सको. And I strictly told my parents, not even a single penny will go from your pocket. और मैंने और अभिनव ने मिलकर हम दोनों की पूरी functions और ceremony हमने खुद किया. Secondly, dowry, expensive gifts, कोई exchange नहीं होंगे. हमने अपने शादी के wedding cards में भी लिखा था, come with the love and the hugs. That's all we need. No gifts, nothing. No लेन देन वाला फंडा, कुछ नहीं. ये हमने बहुत क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली हमने अपने पेरेंट्स को कहा था एंड कोई लेन देन नहीं होगा. तीसरा, अभिनव ने ऑफकोर्स ये बात बहुत हाईली बताई है,
और बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ब्लड डायमंड्स. हम जिस तरीके से डायमंड्स प्रोक्योर करते हैं, हाउ मेनी लाइव्स, हाउ मच ऑफ ब्लड शेड, हाउ मच ऑफ स्वेट गोज इन प्रोक्योरिंग दैट छोटू सा पीस ऑफ रॉक, एंड हाउ मच एक्सपेंसिव वी मेक इट, एंड हाउ मच वी वॉन्ट टू फ्लॉन्ट कि ये डायमंड है, एंड कितना खून पसीना मेहनत और ब्लड शेड, लिटरली ब्लड शेड होता है टू प्रोक्योर दीज डायमंड्स. ये सियरा लियोन जैसी छोटी छोटी उधर वहां पर माइंस पर कितने लोग कह सकते हैं कि मतलब शहीद हो जाते हैं ताकि yeah. लोगों तक, हम तक ये खूबसूरत सा डायमंड पहुंच सके, एंड वी कैन वेयर इट इन आवर रिंग्स. सो ही वाज अगेंस्ट डायमंड्स एंड ही सेड नो डायमंड्स, नो डायमंड्स. एंड मेरी, आप मेरी वेडिंग रिंग भी देखेंगे, इट्स अ सिंपल गोल्ड वेडिंग रिंग, और जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया था तभी उन्होंने गोल्ड दिया था, एंड ऑल द थिंग्स वर इन गोल्ड. सो पेरेंट्स को बहुत सिंपली बोल दिया था कोई डायमंड्स नहीं होंगे, देयर विल बी नो डायमंड्स. नाउ दिस डायमंड दैट आई एम वेयरिंग, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. देयर इज अ कंपनी लाइमलाइट जो के डायमंड्स लैब्स में बनाती है, लेबोरेटरीज में. यस यस यस, सो यस, सो यू नो जो माइनिंग में जितना अमाउंट ऑफ gas and water is wasted, our natural resources wasted to procure a diamond, now this thing is achieved in the lab, and I recently got it, this the company gifted me, and I was so amazed. I said, wow, we are finding a sustainable way of creating the jewelries which ultimately every girl, see every girl likes diamonds, yeah, you cannot go, but you can't be mindlessly running after it ke yaar ab to matlab 4 crore ka diamond lena hi lena hai. What bloodshed, the amount of bloodshed, the amount of natural resources we wasted to procure that we are mindless about it. So maine ab itne saalon mein jaakar I got this diamond, and I was like, I'll wear it with a sense of pride, because there are people who are now actually thinking about our environment, there are people who are thinking about yaar we have to be kind enough to our human race, and so this I wear it as a mark of pride, of course saving our environment. और चौथी चीज जो कि बहुत फनी है, बट हम भी बहुत हंसे उस चीज पर, अभिनव इज लाइक नो एनिमल अब्यूज, मैं घोड़ी पे चढ़ के नहीं आऊंगा, कोई घोड़ा नहीं होगा शादी में, मैं पैदल आऊंगा, बारात भी पैदल आएगी. लाइक ओके, आई वांट टू शेयर विद यू, माय हस्बैंड यूज इन हिज कार, बट उसने देखा ट्रैक्टर चल रही है, पंजाबी है, चढ़ गया ट्रैक्टर पे. So cool, exactly. So we said no animal abuse. कोई घोड़े पे चढ़ के नहीं आएगा. This has by far, and I have had 20 years of experience, by far the most wisdom से भरा हुआ interview I have ever done. Thank you. And thank you so much. I know it sounds very sexist of me to say, but coming from a woman who thinks deeply of everything around her. I think you are an epitome to a lot of women जो ये देख रहे हैं और जो ये सुनेंगे. Thank you, Ruby. You were meant to be in a Big Boss for more reasons than just creating controversies. I think you were there to be a guiding star for people कि ऐसे ऐसे होती हैं लड़कियाँ, ऐसे होती हैं. Thank you, Archana. Thank you. तो जाने से पहले यही कहूँगी यार, कुछ तो गा के जाओ, शाहरुख खान का गाना ही गा लो, कुछ तो गा लो. प्लीज एक्सक्यूज माई सुरन ताल. सानू कुछ भी समझदा नहीं, तू एदा केड़ा शाहरुख खान है, सानू कुछ भी समझदा नहीं, तू एदा केड़ा शाहरुख खान है, तू एदा केड़ा शाहरुख खान है. God bless, lots of love, and I hope to see you in person someday. Radio City.